हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बिली जॉली की बुक अ सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक, संकट सफलता की नींव है कि ऑडियो बुक समरी के बारे में। आपको बताता चलूं, बिली जॉली बहुत ही शानदार ऑथर, रेडियो होस्ट, स्पीकर और सिंगर हैं। उन्हें 2017 से अ लेजेंड ऑफ द स्पीकिंग इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। समरी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं, हर जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मिनट जब आपको फैसला करना होता है कि आप खड़े होकर अपने सपनों को जीना चाहेंगे या गिरकर अपने डरों को जीना चाहेंगे। निर्णय के उस मिनट में आपको भविष्य दृष्टि से काम लेना होगा और उस शक्ति का प्रयोग करना होगा जो आपके भीतर गहराई में छुपी है। फिर आप देखेंगे कि सपने सचमुच सच हो सकते हैं और होते हैं, और यह भी कि सब चीजें दरअसल संभव हैं, बशर्ते आप विश्वास कर सकें। अपनी जिंदगी को बदलने में सिर्फ एक मिनट का समय लगता है, यह सीखने में सिर्फ एक मिनट का समय लगता है कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। इस बुक में टोटल 12 स्टेप हैं जिसे आप अपने संकटों को सफलता में बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, दृष्टिकोण। भविष्य दृष्टि की जाँच करें, आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। आप स्थिति को किस तरह देखते हैं, आप इसे प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, यह आपके भविष्य दृष्टि पर निर्भर करता है। कुछ लोग प्रॉब्लम आते ही दूर खड़े हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, तो कुछ लोग इस प्रॉब्लम को समझ करके उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। याद रखें, हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी होता है, बस फर्क इस बात का है कि आप उसे कैसे देखते हैं। गिलास आधा खाली है या भरा है, या फिर पूरा भरा है आधा पानी से या किसी और चीजों से और आधा हवा से, यह आपके सोचने समझने पर निर्भर करता है। अगर प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे तो कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी। किसी ने सही कहा है, द की ऑफ सक्सेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको बचपन में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जैसे कोई देख नहीं सकता था तो कोई सुन नहीं सकता था, परंतु वे बहुत सफल हुए क्योंकि उनमें महान सफल बनने की भविष्य दृष्टि थी। इसलिए प्रॉब्लम के ऊपर उठकर अपने सपनों को साकार किया। लेखक कहते हैं, अगर आप अच्छी चीजों की तलाश करेंगे तो आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी, इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखने का संकल्प करें। स्टेप 2, यह समझ लें कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है। यह सच है, जिंदगी किल है, चुनौतीपूर्ण है और कठोर भी है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके सामने चुनौतियां और प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेखक कहते हैं, भले ही जिंदगी मुश्किल है परंतु यह सुंदर और अद्भुत भी है। जिंदगी में बहुत से अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और चैलेंजेस भी, जो कि अच्छी बात है। बिना चैलेंजेस के हम अपने आप को और बेहतर नहीं बना पाएंगे और अपनी क्षमता को और आगे पुश नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस के बिना हम कभी बिजली का बल्ब, कार, कंप्यूटर आदि नहीं बना पाते। जिंदगी उतार चढ़ाव के नाम है, सुख दुख का नाम है, गर्मी बरसात का नाम है। हर जिंदगी में चुनौतियों और विपत्तियों का समय आता है, यह अच्छी बात है, यह आपको एक नया इंसान बना देता है। जब आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया और हार मान लेते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं तो आप में दोबारा खड़े होने की क्षमता, या यूं कहें बाउंस बैक एबिलिटी, विकसित कर लेते हैं। और यही यह कारण है कि आप असफल होने के बावजूद आप फिर से उस काम को और अच्छे तरीके से करने में जुड़ जाते हैं, और यही सफलता की चाबी है। अब सवाल यह उठता है कि आप दोबारा उठकर खड़े कैसे हो, आप लचीले कैसे बने।
आप में संकट को सफलता में बदलने वाली हर चीज की तरह यहाँ भी आपको निर्णय लेना होगा। आपको पॉजिटिव बने रहने का और दोबारा खड़े होने का निर्णय लेना होगा। यकीन मानिए, यह आसान नहीं है। इस जिंदगी में कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप इस बारे में सीखते हैं कि जीता कैसे जाता है। महान साइंटिस्ट एडिसन ने कहा था, आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप अपने अनुभव से सीखते और विकसित करते रहते हैं। आपको अपने आप पर आस्था या एकाग्रता होना ही चाहिए। असफल लोगों में एक गुण होता है, वे एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। नीचे गिरने में कोई बुराई नहीं है, बस दोबारा उठकर खड़े हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। स्टेप 3, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और अपने सपनों का जिंदगी जीने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए। अगर सपना बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पास सपना लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे उसे साकार करोगे? इसलिए सपने देखें और बड़े सपने देखें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असफलता से नहीं डरना चाहिए। लेखक कहते हैं, लक्ष्यों की शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण चींटी से सीखा जा सकता है, क्योंकि वे आगे बढ़ती रहती हैं जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाती या फिर मर नहीं जाती, क्योंकि वे जानती हैं वे क्या चाहती हैं और कहाँ जा रही हैं। लक्ष्य निर्धारित करती हैं, योजना बनाती हैं, सिर्फ आज के बारे में सोचने के बजाय आने वाले कल के बारे में सोचती हैं, कड़ी मेहनत करती हैं। अगर ये सब खूबियाँ अपने अंदर विकसित कर लें तो आप भी सफल बन सकते हैं। अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लें और इसे अपने सामने रखें। आप इसे अपने डायरी में लिख लें और हर दिन पढ़ें। अंत में लेखक कहते हैं, अपने सपने के खातिर संघर्ष करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जहां भविष्य दृष्टि है वहां विरोध भी होगा। जहां सपना है वहां सपने को चकनाचूर करने वाले लोग भी होंगे। वहां चुनौतियां भी होंगी और समस्याएं भी, परंतु आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर उसके लिए संघर्ष करना होगा। स्टेप 4, निर्णय लें। आपके सामने संकट है। किसी व्यक्ति की जिंदगी में जो परिस्थितियां होती हैं वे दरअसल महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण तो यह है उस व्यक्ति उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। उसकी प्रतिक्रिया ही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। जब आप संकट का सामना करते हैं तो आपका पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप संकट को किस तरह देखते हैं। यह एक सचमुच संकट है या अवसर है? अगला निर्णय यह है कि आप क्या करने वाले हैं। आप संघर्ष करेंगे या हार मान लेंगे? यह एक ऐसा निर्णय है जो आपको खुद लेना होगा। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे आप सिर्फ आपको चुनना होगा, परंतु इस चुनाव का परिणाम आप पर बहुत गहरा असर छोड़ेगा। लेखक कहते हैं, आपको हर दिन बुद्धि और साहस के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि स्थिति को समझने और अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है और साहस आपको अपने लिए हुए निर्णय पर काम करने में। स्टेप 5, दहशत में ना आए। जब आपके सामने कोई संकट आए तो हमेशा शांत रहने का फैसला करें। दहशत में ना आए। दहशत से जरा भी शक्ति नहीं मिलती है। जब आप दहशत में आ जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और गलत निर्णय लेते हैं, और इस वजह से आप और समस्या खड़ी कर देते हैं। अच्छे दिन और बुरे दिन में फर्क सिर्फ आपके नज़रिए का होता है। सकारात्मक नज़रिया होने पर आप बुराई में भी अच्छाई खोज सकते हैं और दुख में भी खुशी खोज सकते हैं। सब कुछ नज़रिए पर निर्भर करता है। महात्मा गांधी कहते हैं, मैं अपने शब्दों को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि शब्दों से व्यवहार बनता है। मैं अपने व्यवहार को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि व्यवहार से आदत बनती है। मैं अपने आदतों को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि आदतों से जीवन मूल्य बनता है। मैं अपनी जीवन मूल्यों को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि जीवन मूल्यों से भाग्य बनता है। लेखक कहते हैं, आप अपने दिमाग में जो डालेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप हर दिन सकारात्मक जानकारी भीतर डालेंगे। यह सच है कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं
आप उन्हीं की तरह सोचते और प्रतिक्रिया करते हैं। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो छोटी मानसिकता और नकारात्मक हैं। आपको उन सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। असफलता का जोखिम लेने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सिर्फ तभी आप सचमुच सफल हो सकते हैं। स्टेप 6, रुके और सोचें। एक बार जब आप संकट में शांत बने रहने और दहशत में ना आने का निर्णय कर लें, तो आपको अपने विकल्पों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। ठहरने और सोचने पर आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कुछ नए तरीके खोज सकते हैं। कई बार जिंदगी में आपके सामने चुनौती आती है, तो उससे उबरने के लिए आपको इम्प्रोवाइज करना होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आप पहले नहीं जानते थे। लेखक कहते हैं, जब आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए। यह जान लें कि चाहे समस्या कोई भी हो, आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सशक्त है, वह हर स्थिति को सुधार सकता है, लेकिन आपको इसका प्रयोग करने आना चाहिए। मदद मांगने में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी मदद की जरूरत होती है। बचपन में हमारे माता पिता, बाद में हमारे दोस्त, टीचर्स मदद करते थे। चाहे आप जिंदगी में कहीं भी हों, ऐसे समय आएंगे जब आपको मदद की जरूरत होगी। स्टेप 7, कर्म करें। आप कैमरे के सामने खड़े हो सकते हैं, लाइट भी चालू हो सकती है, परंतु जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कर्म के बिना भविष्य दृष्टि सिर्फ इच्छा है और इच्छाओं का कोई आधार नहीं होता। लेखक कहते हैं, महत्वाकांक्षा के बिना कोई कुछ भी शुरू नहीं कर पाता है, और कड़ी मेहनत के बिना कोई कुछ भी पूरा नहीं कर पाता है। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इलॉन मस्क को आप जानते ही होंगे, वे दिन में 16 से 18 घंटे काम करते हैं। जिंदगी के चुनौतीपूर्ण दौर और स्थिति से उबरने के लिए यह अनिवार्य है कि आप पहले यह निर्णय लें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपनी मानसिकता नहीं बना पाते। वे कोई काम करना तो चाहते हैं, परंतु वे उसके लिए सचमुच संकल्प नहीं करते और परेशानी या समस्या आने पर हार मान लेते हैं। हम सब थकते हैं और हम सबको कभी न कभी आराम की जरूरत होती है, परंतु विजेता जल्दी ही अपने काम पर लौट जाता है और तब तक संघर्ष करता है जब तक कि वह मनचाही चीज हासिल न कर ले। स्टेप 8, जिम्मेदारी लें। लेखक कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संकट को आपने पैदा किया है या किसी और ने आप पर थोपा है। अगर आप संकट को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हो सकता है आप गिरने के लिए जिम्मेदार ना हो, परंतु आप दोबारा खड़े होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम सब गलतियां करते हैं और हमारी गलतियों के कारण कई बार संकट पैदा होते हैं, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो उन संकटों से बाहर निकला जा सकता है। जिम्मेदारी लेने और समस्याओं के समाप्त करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहला, इसका सामना करें। अपनी समस्याओं का सामना करें और उन्हें स्वीकार करें, परंतु उन्हें अपने पर हावी न होने दें। दूसरा, इसका कारण खोजें। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई है और आप इस अनुभव से क्या सीख सकते हैं पता लगाएं। तीसरा, इसे मिटा दें। समस्या का पता लगने के बाद इसका सामना करें और इसे मिटा दें। समस्या से सबक सीखें। एक बार हो तो इसे गलती कहते हैं और दो बार हो तो इसे मूर्खता कहते हैं। जिम्मेदारी लें। अगर यह काम किया जा सकता है तो इसे किया ही जाना चाहिए। स्टेप 9, अपने क्रोध का उपयोग करें। क्रोध को शांत करने के बजाय इसका उपयोग करें। गुस्से से पागल ना बने, क्योंकि पागल बनने का मतलब यह है कि आप नियंत्रण में नहीं हैं। बदला ना लें, क्योंकि यह एक नकारात्मक भाव है। इसके बजाय सामने वाले से आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में अपने गुस्से का प्रयोग करें। जब आप पर संकट आए तो यह बात ना भूलें, उस घटना को ना भूलें जिसकी वजह से गुस्सा आया था। इसका प्रयोग बार बार करके खुद को शक्ति देते रहें। इसका प्रयोग सिर्फ बराबरी करने या बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आगे निकलने के लिए करें। याद रखें, जबरदस्त सफलता सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। स्टेप 10, आस्था रखें।
आस्था हमें आशा देती है और आस्था हमें शक्ति भी देती है। यह शक्ति का ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं, खासकर मुश्किल समय में। लेखक इस स्टेप में हमें ईश्वर पर आस्था बनाए रखने को कहते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर आपके सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा बड़े हैं। खुद में और अपनी योग्यताओं में विश्वास करें और लगातार अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। जब दूसरों को आपकी सफलता पर विश्वास ना हो, तब भी आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। स्टेप 11, हाँ कहें। अपने संकल्प के प्रति समर्पित रहें। जीतने का संकल्प लें, हारने से इनकार करें और कभी मैदान न छोड़ें। संकल्प के साथ साथ आपको साहस की भी जरूरत होती है, क्योंकि जिंदगी आपको नीचा गिरा देगी, मैदान से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। उठकर खड़े होने और संघर्ष करने के लिए साहस की जरूरत होती है। जिंदगी के दौड़ में सबसे तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता है, बल्कि वह व्यक्ति जीतता है जो तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए यह निर्णय लें कि आप कभी नहीं रुकेंगे। हो सकता है कि आप लड़खड़ाएं, हो सकता है कि आप गिरे भी, परंतु आपको रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ आप ही हैं जो कभी अपना साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए खुद से प्रेम करना सीखें। स्टेप 12, सब कुछ अच्छा है। चाहे जिंदगी में जो भी हो, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जिंदगी को जवाब देने का यह अद्भुत तरीका है। सिर्फ इतना जान लें कि सब कुछ अच्छा है। चिंता करने से समस्याएं नहीं सुलझती हैं, इससे आमतौर पर समस्याएं बढ़ती हैं। अपनी ऊर्जा को समस्याएं पर नहीं बल्कि समाधान पर केंद्रित करें। सफल होने में सिर्फ एक मिनट का समय लगता है। जिस मिनट आप निर्णय लेते हैं और कर्म करना शुरू करते हैं, आप सफलता के रास्ते पर चलने लगते हैं।